हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नीतू और आज हम बनाएंगे बहुत ही फेमस और डिलीशियस टेस्टी सब्जी, मिक्स वेज सब्जी। वैसे मिक्स वेज सब्जी का नाम लिया नहीं और हम सबके मुंह में पानी आने लगता है, तो उसी मिक्स वेज सब्जी को आज हम एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तब भी आप इस मिक्स वेज सब्जी को आराम से खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं ये टेस्टी डिलीशियस मिक्स वेज सब्जी की यह रेसिपी। यहाँ मैंने 5 जनों के हिसाब से मिक्स वेज सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ काट रखी हैं। तो यहाँ मैंने आधी पत्ता गोभी को ऐसे थोड़े मोटे मोटे स्लाइसों में काट लिया है। 2 मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली हैं जिसे ऐसे पीसों में काट लिया है। 1 छोटे साइज की फूल गोभी जिसे ऐसे पीसों में काट लिया है। 1 बड़े साइज की गाजर जिसे ऐसे लंबे पीसों में काट लिया है। 1/2 बाउल के करीब हरी मटर ली है। मिक्स वेज सब्जी की जान फ्रेंच बीन जिसे ऐसे काट लिया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सोयाबीन की बड़ी जिन्हें मैंने पहले से ही हल्के गर्म पानी में आधे घंटे पहले भिगो दिया था। और देखिए यहाँ बढ़िया अच्छे से फूल गई हैं। और 2 मीडियम साइज के आलू जिसे मैंने ऐसे पीसों में काट लिया है और पानी में भिगो रखा है ताकि हमारे आलू काले ना पड़े इसलिए। और यहाँ मैंने पहले से ही सब्जियों को 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर रखा है। और मिक्स वेज का मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 बड़े साइज की प्याज और 1 मीडियम साइज लहसुन की गांठ और ऐसे साइज के रेड टमाटर, प्याज, लहसुन को काट कर और मिक्सी में इनका एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे और टमाटर का भी एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे। तो अब सब्जियों को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने पहले ही गैस पर एक ऐसे कढ़ाई गर्म होने रख दी थी। तो यहाँ पर कढ़ाई हल्की सी गर्म हो गई है तो कढ़ाई में ऐसे सरसों का ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये देखिए ऑयल गरम हो गया है। तो अब कढ़ाई में से मैं आधा ऑयल ऐसे निकाल लूँगी और आधा कढ़ाई में ऐसे रहने देंगे। अब ये देखिए अब हमें इतने से ऑयल में ही सब्जियों को फ्राई करना है। तो हम यहाँ सब्जी को एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ बना रहे हैं तो यहाँ सब्जी को हम सेलो फ्राई करेंगे। तो अब ऑयल में फटाफट से गाजर और आलू को डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर गाजर और आलू के ऊपर हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट ना आ जाएं जब तक सब्जियों को ऐसे चलाते हुए भून लेंगे। और ये देखिए अब आपको आलू गाजर के ऊपर हल्के हल्के से ब्राउन स्पॉट दिख रहे होंगे। तो अब आलू गाजर में मैं दूसरी सब्जी ऐड करूंगी, बीन्स, और साथ में ही डालेंगे फूल गोभी। और अब इन पर भी ब्राउन स्पॉट आने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। ऐसा करने से आपके दो दो काम हो रहे हैं। ऐसे सेल्फ फ्राई करने से आपकी सब्जियों में एक क्रंचीपन आएगा जो मिक्स वेज सब्जी में होना चाहिए और साथ में ही सब्जियां हमारी कुक हो रही हैं, सॉफ्ट हो रही हैं। कहते हैं ना 2 इन 1, वही काम हो रहा है। और देखिए बातों बातों में ही हमारी गोभी और बीन्स भुन गए हैं और गोभी और बीन्स पर आपको ब्राउन स्पॉट दिख रहे होंगे। अब हम दूसरी सब्जी ऐड करेंगे, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और साथ में ही डालेंगे हरी मटर और इन्हें भी चलाते हुए स्पॉट आने तक भून लेंगे। और यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि हमने पहले वो सब्जियाँ ऐड करी हैं जो ज़्यादा टाइम में कुक होती हैं और जैसे टाइम में सब्जियाँ कुक होती हैं वैसे वैसे हम यहाँ सब्जियाँ कढ़ाई में डालते रहे हैं, ज़्यादा टाइम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। और ये देखिए सब्जियां हमारी अच्छे से भुन गई हैं जितनी हमें चाहिए थी, एकदम परफेक्ट। तो फटाफट से ऐसे सारी वेजिटेबल्स को निकाल लेंगे ऐसे प्लेट में और अब उसी कढ़ाई में हम अपनी सोया बड़ियों को सेलो फ्राई करेंगे। तो जो हमने आधा ऑयल बचाया है उसमें से कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर ऑयल पहले से ही गर्म कर रखा है तो अब सोया बड़ियों को कढ़ाई में डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर ऐसे चलाते हुए बड़ियों पर एक गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। और देखिए बड़ियां हमारी अच्छे से भुन गई हैं और हमारी बड़ियों पर एक अच्छा गोल्डन कलर भी आ गया है
और बड़ियों को हमें इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है, नहीं तो बड़ियों पर वो काले काले स्पॉट आने लगते हैं। इसलिए तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और फटाफट से बड़ियों को सब्जी वाली प्लेट पर निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे, यहाँ मैंने सब्जी बनाने के लिए गैस पर दोबारा से कढ़ाई साफ़ करके रख ली है, तो यहाँ कढ़ाई गर्म हो गई है, तो कढ़ाई में जो हमारा ऑयल बचा हुआ है उसे डाल देंगे। और यहाँ पर ऑयल पहले से ही गर्म है, तो ऑयल को ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है, तो ऑयल में पहले डालेंगे सूखे खड़े मसाले, 2 से 3 तेज़पत्ते, 4 से 5 लौंग, 3 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची बीच में से तोड़कर, 6 से 7 काली मिर्चें और थोड़ी सी ऐसे हींग, और साथ में ही डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, और ऐसे चलाते हुए भून लेंगे जब तक मसाले अच्छे से भुन ना जाएं और चटकने ना लगें तब तक। देखिए सूखे खड़े मसाले अच्छे से चटक गए हैं और मसालों में से एक अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम कढ़ाई में जो हमने प्याज लहसुन का पेस्ट बनाया है तो उसे डाल देंगे, और प्याज लहसुन को लो टू मीडियम फ्लेम पर प्याज लहसुन को जब तक भूनेंगे जब तक प्याज लहसुन पर एक अच्छा गोल्डन कलर ना जाए जब तक। तो देखिए प्याज लहसुन हमारे अच्छे से भुन गए हैं, और अब यहाँ गैस का फ्लेम लो कर देंगे और अब कढ़ाई में मसाले ऐड करेंगे ऐसे। तो पहले डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/2 चम्मच से कम हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सब्जी के एक अच्छे कलर के लिए। 1/2 कप पानी डालकर मसालों को चला देंगे, और 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने ऐसे बारीक चॉप कर लिया है डाल देंगे, और सब्जी को तीखा बनाने के लिए 4 हरी मिर्च बारीक चॉप, और साथ में ही डाल देंगे जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया है उसे भी डाल देंगे। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से कुक होने देंगे जब तक मसाले में से एक अच्छी खुशबू ना आने लगे और मसाले में से ऑयल बाहर ना आने लगे। और देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है और मसाले में से एक बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। और अब मसाले में जो सब्जियां हैं उन्हें ऐसे डाल देंगे और मिक्स करेंगे, और सब्जियां मसाले में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और अब यहाँ पर सब्जी में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सब्जियाँ पहले से ही कुक हैं और हमें सब्जी को ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। बस सब्जी को ऐसे कवर करके जब तक कुक करेंगे जब तक सब्जियां अच्छे से कुक ना हो जाएं, पर सब्जी को ऐसे बीच बीच में 3 से 4 बार ज़रूर चलाएंगे ताकि सारी सब्जियां इवनली कुक हो। इसलिए और सब्जी को हमें लो फ्लेम पर ही कुक करना है, और सब्जी को लो फ्लेम पर कुक होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं, और सब्जी को मैंने बीच बीच में 3 से 4 बार चला भी दिया है। तो चलिए सब्जी को चेक करते हैं कि सब्जी हमारी कुक हुई है कि नहीं। ये देखिए और चला देंगे, सब्जी हमारी कुक हो गई है, पर हमें सब्जी को 5 मिनट और कुक करना है। तो सब्जी में जो हमारे बाकी के मसाले रह गए हैं उन्हें ऐड करेंगे। तो सब्जी में एक बटरी फ्लेवर ऐड करने के लिए सब्जी को हम ऐसे चारों तरफ साइड करेंगे और कढ़ाई के बीच में ऐसे जगह करेंगे, और अब 2 टुकड़ों में करके कढ़ाई में बटर डालेंगे और बटर को हल्का सा मेल्ट होने देंगे। और बटर मेल्ट हो गया है तो अब सब्जी को बटर में मिक्स करेंगे ऐसे, और कढ़ाई को कवर करके 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे ताकि बटर का फ्लेवर हमारी सब्जी में अच्छे से आ जाए। इसलिए 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाएंगे। फ्रेंड यहाँ पर सब्जी में से बटर की एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब सब्जी में डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला सब्जी में एक चटपटे फ्लेवर के लिए। इसे डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, तो ज़रूर ऐड करें। और सब्जी के ऊपर से डालेंगे तवे पर रोस्ट करी हुई थोड़ी सी ऐसे कसूरी मेथी और खूब सारा ऐसे हरा धनिया, और सब्जी को चला देंगे और सब्जी को कवर करके 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो हमने सब्जी में मसाले डाले हैं तो उनका फ्लेवर सब्जी में आ जाए। इसलिए 2 मिनट हो गई हैं और मैं आपको क्या बताऊं, सब्जी में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और सब्जी हमारी बनकर एकदम तैयार है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और देखिए सब्जी पर कितना अच्छा कलर आया है ना, एकदम परफेक्ट। और देखिए सब्जी हमारी अच्छे से गली हुई है और सूखी सूखी भी है और मैसी भी नहीं है।
और देखिए सब्जी हमारी कितने अच्छे से मसालों में कोट हो रही है। तो सब्जी बनी है ना एकदम परफेक्ट। तो चलिए सब्जी को फटाफट से सर्व कर लेते हैं इस प्यारी सी कढ़ाई में ऐसे। और ये लीजिए जी हमारी मसालेदार मिक्स वेज सब्जी खाने के लिए है एकदम तैयार। अब मर्जी आपकी है कि आप इसे पूड़ी पराठे नान रोटी किसके साथ खाना चाहते हैं, ये सभी के साथ फिट बैठती है। और फ्रेंड्स ज़रूर ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज में ये मसालेदार मिक्स वेज सब्जी को अपने घर पर, ये आपके घर पर सभी को बहुत बहुत पसंद आएगी और साथ में हेल्दी तो है ही। और मैंने मिक्स वेज सब्जी को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है ताकि आप सब इसे इजीली घर पर बना पाएँ। और फ्रेंड यकीन मानिए ये आपको खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगेगी। और इसमें जो मैंने सोया बड़ी डाली हैं उन्हें स्किप मत कीजिएगा, सोया बड़ियों से इस सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाता है। इसलिए अगर फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलती हूँ एक ऐसी ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी को लेकर। जब तक के लिए बाय बाय।